एक सेकेंड, कन्वर्जन नहीं आ रही या फिर क्लिक्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तो एड टू कार्ट नहीं आ रहे, अगर एड टू कार्ट आ रहे हैं तो इनिशियल चेकआउट नहीं आ रहे जिसकी वजह से फिर कन्वर्जन नहीं आ रही, या फिर CTR बहुत अच्छा है स्टिल एड टू कार्ट्स नहीं आ रहे, व्यू कॉन्टेंट नहीं आ रहा या फिर इनिशियल चेकआउट। तो अगर इसमें से कोई एक भी इशू अगर आप फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए। इस वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करूंगा कि किस तरह आप इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एट बेस्ट Assalamualaikum viewers, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा कि बहुत सारे लोग इशू फेस कर रहे हैं कि आई एम नॉट गेटिंग एनी कन्वर्जन, एड टू कार्ट्स आ रहे हैं, इनिशियल चेकआउट्स आ रहे हैं, कन्वर्जन नहीं आ रही, एड टू कार्ट्स ही नहीं आ रहे, तो ये सारे इशूज लोग फेस कर रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर वीडियो बनाऊँ। तो आज के इस वीडियो में मैं इन डिटेल डिस्कस करूंगा, तो मेक श्योर करें ये वीडियो एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि क्लिक्स आ रहे हैं हमारे पास, लोग रीडायरेक्ट भी हो रहे हैं लैंडिंग पेज पे, बट एड टू कार्ट्स नहीं आ रहे, इनिशियल चेकआउट नहीं आ रहे, जिसकी वजह से हमारे पास परचेजेस नहीं आ रही। तो क्या इशू हो सकता है? तो इशू बहुत सारे हो सकते हैं, बट जो मेन फैक्टर है, जो मेन इशू है उसको, जो मेन सॉल्यूशन है उसका, वो ये है कि आप जाहिर सी बात है लोगों ने क्लिक्स किए, तो जाहिर सी बात है कि आप वो जो ऑडियंसेज हैं वो आपके लैंडिंग पेज पर आए होंगे, तो जो आपका लैंडिंग पेज है वो ऑप्टिमाइज नहीं है। ठीक है, इसमें मल्टीपल रीजन हो सकते हैं पेज लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन में। एक तो ये है कि जो आपकी इमेजेस हैं, जो आपके लिस्टिंग है वो प्रॉपरली लिस्टेड नहीं है या प्रॉपरली अच्छी डिज़ाइन नहीं हुई हुई, कि कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि एक्चुअली प्रोडक्ट है क्या चीज़। अच्छा, लोकली अगर मैं बात करूँ, मैंने बहुत सारे स्टोर्स देखे हैं, मैं देख रहा होता हूँ कि इनकी जो लैंडिंग पेज है, टू बी ऑनेस्ट जब उनको मैं देख रहा होता हूँ थोड़ा सा मुझे गुस्सा भी आने लगता है, क्योंकि उनके जो लैंडिंग पेज होते हैं मतलब उसमें आपको पता ही नहीं लगता कि एक्चुअल प्रोडक्ट है क्या चीज़, जस्ट इन्होंने इमेज डाली हुई थी और डिस्क्रिप्शन, तो जाहिर सी बात है लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे और कहेंगे कि ये स्कैम है, तो वो बैक ऑफ हो जाएंगे, क्लिक तो कर देंगे। क्रिएटिव भले आपका जितना भी अच्छा हो, जब तक आपका लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइज ना हो तो कन्वर्जन नहीं होगी। तभी जो मार्केटर्स हैं वो कभी भी सेल्स गारंटी नहीं करते, कोई भी एक्सपर्ट बंदा होगा वो कभी भी नहीं कहेगा मैं आपके लिए 10 ROAS लेकर आऊँगा या 20 ROAS लेकर आऊँगा या कोई फिक्स रेवेन्यू आपको कहेगा मैं इतनी गारंटी करता हूँ, कोई भी गारंटी नहीं कर सकता। इसकी मेन वजह ही यही है कि जो सेल्स लाना है वो मल्टीपल चीज़ों पे डिपेंड करता है। लाइक मैंने आपको जिस तरह एक्सप्लेन किया कि आपके क्रिएटिव बड़े अच्छे हैं, बट जो लैंडिंग पेज है वो ऑप्टिमाइज नहीं है, जिसकी वजह से आपको इशू आ रहा है। तो जिस तरह आपको क्लिक्स आ रहे थे बट लैंडिंग पेज आपका अच्छा नहीं, ऑप्टिमाइज नहीं है, लाइक जिससे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपकी जो लिस्टिंग है वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं है, जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई है, नेमिंग कन्वर्शन एक प्रॉपर अलाइन नहीं है, जो आपके रिव्यूज़ हैं वो नहीं है। ठीक है, अच्छा रिव्यूज़ के साथ इमेजेस नहीं है, आपने जस्ट रिव्यूज़ डाले हैं और उसके साथ इमेजेस नहीं डाले, मेक श्योर क्या करें कि रिव्यूज़ में इमेजेस लाजमी डाले करें ताकि उनको लगे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आएंगी वो किस तरह है। ठीक है, अगर हो सके तो वीडियो भी ऐड कर दें, ये एक मैं समझता हूँ लोग मिस कर रहे हैं, और मैंने एक भी अभी तक कोई स्टोर नहीं देखा जिसके अंदर किसी ने वीडियो डाली हो कि आपके पास प्रोडक्ट किस तरह पहुँचेगी, तो मेक श्योर करें वीडियो लाजमी आप ऐड करें। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे कि आपकी जो लैंडिंग पेज है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके पास एड टू कार्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे। मेक श्योर करें प्राइसिंग आप अपनी अच्छी करें, कॉम्पिटिटिव रखें, ऐसा ना हो कि जो कॉम्पिटिटर है वो 2000 की लेट्स से बेच रहा है आप 3000-4000 की बेचो, तो मेक श्योर करें प्राइसिंग में कॉम्पिटिटिव हो और लगे कि हाँ एक ये ब्रांड पेज है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एड टू कार्ट्स बढ़ा सकते हो, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली इनिशियल चेकआउट भी बढ़ जाएंगे और सेल्स भी आना शुरू हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेक श्योर करें वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं इस तरह के क्वालिटी जो कॉन्टेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ शेयर कर सकूँ। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट आता है कि एड टू कार्ट बहुत ज़्यादा है हमारे पास बट इनिशियल चेकआउट बहुत कम है, जिसकी वजह से कन्वर्जन नहीं आ रही। अच्छा, एड टू कार्ट बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो लैंडिंग पेज है वो ज़बरदस्त, मतलब ऑप्टिमाइज है, लोग सेटिस्फाई है, बट इनिशियल चेकआउट में लैग कर रहे हैं या फंस रहे हैं वहाँ पे। तो अगर मैं लोकल मार्केट की बात करूँ तो मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये है कि ज़्यादातर लोगों के पास ईमेल्स नहीं होती, मैंने जो गौर किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। अच्छा, अगर फेसबुक की ऑडियंस है तो ज़्यादातर लोगों के पास ईमेल होती है। अगर हम दूसरे एंड पर देखें, जो हमारे पास दूसरी टाइप के ऑडियंसेस हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि हम मतलब ये जाहिर से ईमेल्स वगैरह, फ़ोन नंबर, वो थोड़ा कन्फ्यूज़ जाते हैं, उनका जो चेकआउट है शॉपिफाई का वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है,
लोकल मार्केट के लिए, ठीक है। तो तभी वो थोड़ा यह है कि वो बैक ऑफ हो जाते हैं ईमेल्स वगैरह डाल के, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास ईमेल्स भी नहीं होती, वो जस्ट फोन नंबर डाल के वो जब कंटिन्यू में क्लिक करते हैं तो एरर आ रहा होता है कि आप ईमेल्स वगैरह फिल आउट करें, इनके पास ईमेल नहीं होती, वो परचेस नहीं कर पाते, यह भी वन ऑफ द मेन इशू है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि एक फॉर्म आता है वन ऑर्डर फॉर्म, उसमें क्या होता है कि जब आप ये आप देख भी सकेंगे कि जब आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो एक ही फॉर्म आ रहा होगा, ठीक है। एक ऐप है रिलीज फॉर्म के नाम से, एक ऐप है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और कमेंट में भी मैं ऐड कर दूंगा ताकि आप डायरेक्टली वो डाउनलोड करें। और वो बहुत सिंपल है क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप जस्ट बाय नाउ पे क्लिक करते हैं और आपके सामने एक ही फॉर्म आएगा, उसके अंदर जो आपके मेन मेन जो आपके पॉइंट्स है वो आप पूछ सकते हैं, लाइक नाम पूछ सकते हैं, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, जिप कोड, ये चीज़ें, ये चार से पांच जो चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट है पूछने के लिए इन ऑर्डर टू डिस्पैच द प्रोडक्ट, ठीक। तो ये एक नॉर्मल और आसान है ताकि हर जो आवाम है जिसको न्यू एक्सपीरियंस है, जिसको इतना आइडिया नहीं है, वो आराम से परचेज कर सके। क्योंकि हमें ये सोचना है कि कस्टमर की जर्नी जितना आसान कर सकते हैं हम करें, हमें ये नहीं सोचना है कि हम उसको कॉम्प्लिकेटेड करें, कोई इतना ब्रांडेड बना दें कि उनको समझ भी ना आए, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हम लोग हैं। तो मेक श्योर करें कस्टमर जर्नी जितना सिंपल रखेंगे ना, उतनी कन्वर्जन रेट जो इंक्रीज करने के चांसेस ज़्यादा हो। अच्छा, उसके बाद फिर एक और इशू आता है, वो ये है कि CTR बहुत अच्छा है। ये मेरे साथ भी हो चुका है कि 1% 1.5% CTR आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त CTR आ रहा है, इससे भी ज़्यादा, और बहुत कन्वर्जन बहुत ही कम है और व्यू कंटेंट भी बहुत कम आ रहा है। तो इसके क्या इशू हो सकते हैं? अच्छा, इसका वन ऑफ द मेन इशू ये है कि जो आपका लैंडिंग पेज है वो बहुत स्लो है। ये मेरे साथ भी हो चुका है कि 1.5% CTR आ रहा है और जो लैंडिंग पेज है वो इतनी स्लो है कि वो लोग जा ही नहीं पा रहे वहाँ पे लैंडिंग पेज। तो कुछ लोग जा रहे हैं, 100 में से 10 लोग जा रहे हैं, अगर 100 लोग क्लिक करें तो उसमें से 10 लोग लैंडिंग पेज पे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस पर 10 में से कोई 2 बंदे ऐड टू कार्ट करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि कितना जो कन्वर्जन रेट है वो रिड्यूस हो जाता है। तो मेक श्योर करें कि आपका अपना जो लैंडिंग पेज है, जो आपकी वेबसाइट है, मेक श्योर उसको फास्ट क्विक करें कि जितना आपके जो लैंडिंग पेज है वो क्विक लोड करेगा, उतने चांसेस होंगे आपके कन्वर्जन इंक्रीज होने के। और अगर आपको मैं भी ना पता हो कि जो लैंडिंग पेज है उसकी जो स्पीड है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है एड्स पर। अगर आपका लैंडिंग पेज स्लो है तो आपके कंपेन पर भी इम्पेक्ट आएगा, लोग ये नहीं समझते। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका ऐड अच्छा चल रहा है, क्रिएटिव अच्छी है, टारगेटिंग अच्छी है तो कन्वर्जन आएगी, ऐसा नहीं है। अगर आपका लैंडिंग पेज भी स्लो है तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके कंपेन पे भी आएगा, और ऑटोमेटिकली कंपेन अच्छा नहीं चल रहा तो सेल्स नहीं आएंगी, सेल्स नहीं आएंगे तो बिजनेस कैसे ग्रो होगा। तो मेक श्योर करें कि जो आपका लैंडिंग पेज है वो फास्ट रखें। अच्छा, फास्ट किस तरह रख सकते हैं कि मेक श्योर करें कि इमेजेस रखें, अच्छा गिफ्ट बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, वीडियोस बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, किसी को कोडिंग वगैरह नहीं आती, बहुत कम लोग करते हैं, जाहिर सी बात है ज़्यादा लोग मोस्ट ऑफ द लाइक ऑडियंसेज या आप लोग जो डिज़ाइन करते हैं शॉपिफाई स्टोर, वो ड्रैग एंड ड्रॉप है, तो उसमें कोई कोडिंग नहीं होती। तो जैसे अगर किसी को कोडिंग आती हो तो बंदा स्पीड भी तेज़ कर ले, अगर लेट्स आपने आप कोई वीडियो ऐड की हुई है या कोई बहुत ही हैवी फाइल्स आपने ऐड की हुई है, अगर आपको ऑप्टिमाइज करना बंदा कोडिंग के थ्रू कर ले, बट आपको नहीं आता तो मेक श्योर करें कि इमेजेस वगैरह इससे मतलब लाइट जो है जो इमेज साइज है, वीडियो साइज है, वो अपलोड करें ताकि जो लैंडिंग पेज है वो क्विक लोड करें ज़्यादा देन के स्लो लोड करें। यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ, उम्मीद है ये वीडियो बहुत पसंद आया होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर करें मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।